कभी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपका होर्न काम करना बंद कर दे, तो उसको डायग्नोज कैसे करते कि आपका होर्न खराब है, वायरिंग में प्रॉब्लम है या रिले में प्रॉब्लम है? तो जो ये मेरी गाड़ी है ये सिंगल होर्न वाली है, इसको मैं डबल होर्न किया, मतलब रिले डाल के किया है। ज़्यादातर गाड़ियाँ सिंगल होर्न वाली आती है, लेकिन अभी लेटेस्ट वाली डबल होर्न हो गई हैं, तो ये ले लेते हैं और ये बजाते हैं। होर्न बज नहीं रहा है, तो पहला चेक करना है आपको कि आपका रिले जहाँ होर्न है वो होर्न के पास वायर लगा हुआ, वायर निकलना है, कभी निकल जाता है। तो पहले अपने चलते हैं वहाँ पे और वायर दिखा, वो यहाँ पे है, ठीक है, आगे बोनेट में होता है, ये मैंने डाला था, तभी इसको खोलेंगे। ये होर्न, तो पहला चेक करना है कि यहाँ पे वायर पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सपोज़ कीजिए आपके पास ना मल्टीमीटर है ना बल्ब है, तो चेक कैसे करना है? तो ये दोनों वायर अच्छी बात है सर, सर्किट डर है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप होर्न ही चेक कर लो आपका होर्न वर्किंग है कि नहीं। अगर होर्न वर्किंग है मतलब यहाँ पावर नहीं आ रहा है, ये भी तरीका है ना चेक करने का, तो ये होर्न खोल लो 12 नंबर से। और अगर आप होर्न नहीं खोल सकते हो तो फिर आपको बल्ब का जुगाड़ करना पड़ेगा, या फिर क्या बोलते हैं बल्ब, या फिर इसका बल्ब होर्न निकालने का तरीका निकालना पड़ेगा। ज़्यादा सेटअप किया बल्ब का, ठीक है, होर्न निकालेंगे, जैसे आपके पास नहीं है तो निकाल सकते हो, मेरे को बल्ब मिल गया तो लगा दिया, प्लस माइनस एक पावर आ रहा है वो ले लिया है, और एक ये ग्राउंड ले लिया, वो ग्राउंड वहाँ पे, ठीक है। अब टेस्ट करेंगे, अगर इसमें पावर आ रहा है तो लाइट जलेगी, तो अपने बजाते हैं होर्न, मतलब यहाँ पावर नहीं आ रहा है, मतलब आपका होर्न ठीक है, पावर की प्रॉब्लम है। तो पावर चेकअप में क्या करते हैं, तो पहले तो जैसे मैंने रिले से किया है, तो रिले में जैसे बता दो होर्न का रिले कहाँ है, तो ये रहा मेरा होर्न का रिले, ये होर्न का रिले है, टेप मार रही अच्छा खासा, तो इसमें मेन वायर भी आता है, देखो ये रहा मेन वायर, मैं इधर से आया मेरा ये रहा, ठीक है, यहाँ से पाती हुई लाया हूँ, कि इसको भी चेक कर लेते हैं इसमें पावर आ रहा है कि नहीं। मैंने होर्न के वायर कनेक्ट कर लिए, जो मेन वायर है, अगर इसमें पावर नहीं आ रहा है तो आपका रिले नहीं खराब है, अगर यहाँ पावर आ रहा है आगे पावर नहीं जा रहा, तो आपका ये जो रिले है खराब है, इसको रिप्लेस कर देना है, जस्ट आसान है। लेकिन अगर पावर यहाँ नहीं आ रहा है तब अपने गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है, तो पहले इसको चेक करते हैं, इधर साइड कर लेते हैं, इसका वायर रखना है ऐसा शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, और इसको बजाते हैं। यहाँ भी पावर नहीं आ रहा, मतलब पावर ही नहीं आ रहा अंदर से, तो मतलब अंदर फ्यूज बॉक्स में या अंदर अर्थिंग उर्थिंग में कहीं पर ज़्यादातर चांस है, अब फ्यूज बॉक्स में रिले का प्रॉब्लम गया, नहीं तो रिले इसके लिए फिर डिफेक्टिव होता है। अब ये टेपिंग वोपिंग जगह खत्म कर देते, तो ये अपना फ्यूज बॉक्स से रहा है, क्योंकि जीप में पुराने में से आता है, नहीं तो आपका उस साइड में आएगा बॉक्स, और बॉक्स के पीछे लिखा था, इसमें बॉक्स लगा हुआ था, मतलब लिखा रहता है, लेकिन ये पुरानी है काफ़ी, फेंक दिए। इसमें एक एक करके रिले चेक करने हैं, तो खास करके 10 एम्पियर के जो दिख रहे हैं उसमें चेक करना है, तो पहले ये लेते हैं, अरे ये तो टूट के अंदर ही रह गया, इसको निकालना पड़ेगा, तो ऐसे चीज़ें चेक कर लेने का, ठीक है, ये टूट गया है, चेक कर लेते हैं, शायद ये भी टूटा हो सकता है, 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर बदलेंगे, चलो ठीक है, इसको रखो, फिर बाजू वाला, हाँ ठीक है मिल गया, ये रहा टूटा हुआ, इसका कारण ये भी हो सकता है। इसमें देखो अगर ऐसा कोई चीज़ उड़ेगी ना तो आपकी एक दो इंटीरियर की चीज़ें एक दो और काम करना बंद कर देंगी, जैसे मेरी वो लाइट काम नहीं कर रही थी, अभी दिखाता हूँ शायद, देखो ये ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ें काम करना बंद कर रही थी, एक दो चीज़ें जैसे वायरिंग की होती तो एक रिले पे दो तीन पे होती है, तो अभी 10 एम्पियर का है, आप दुकान पे जाके ले आओगे ना, जैसे देखो मैंने रखा हुआ है, तो अलग अलग ग्रेड होते हैं ये 10 एम्पियर, जैसे लाल कलर होगा वो 10 एम्पियर का होगा, 10 एम्पियर, ये 25 एम्पियर है, 35, 10 एम्पियर लगता है कि ये क्या, तो मेरे पास 10 एम्पियर का ही रहा, ठीक है, इसको लगाते हैं और चेक करते हैं, देखो अपना काम करता है कि नहीं करता है, बाजू वाला भी उसको भी लगाना पड़ेगा, वो भी काम नहीं करेगा, ठीक है, पहले चालू गया, तो अपना फोन भी साथ बजने लगेगा, अभी ये लाना पड़ेगा, ये 10 एम्पियर टूट गया है, टूट गया और एक गलती से मेरे से टूट गया है ये, ठीक है, ये मुझे जाके लाना पड़ेगा, तो एक फ्यूज मिला अपने को, तो अपने लगा दिया इसको, अभी एक लाना ही पड़ेगा, तो ऐसा स्पेयर फ्यूज आपको रखने का, जैसे सपोज आपकी नई लेटेस्ट गाड़ी में छोटे वाले स्पेयर आते हैं, तो मैंने अपने थार में रखी छोटे वाले भी और बड़े वाले भी, क्योंकि बड़े वाले जैसे रिले होगा जितनी भी एक्सटर्नल चीज़ें फोड़ दो उसमें बड़े वाले रिले आएंगे, और गाड़ी छोटी रिले इस्तेमाल करती है, जैसे नैनो और थार में मेरे है, तो अभी इसको चेक करते हैं, काम हो गया। कोई भी चीज़ आपका जैसे कोई हेडलाइट या हॉर्न ऐसी चीज़ें, खास करके हॉर्न में बहुत तकलीफ आती है, तो डायग्नोस करना तो ये आसान बनता है, ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होती है, कोई भी आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट काम नहीं कर रहा उसको ऐसे डायग्नोस करते हैं, मेरा 3-4 बार तो ये उड़ चुका है, ये मेरा सेंट्रल लॉक का रिले है, ठीक है, फिर सॉरी फ्यूज़ है, तो ये सब चीज़ें उठती रहती है, एक फ्यूज़ के प्रॉब्लम थे, होर्न बंद था, सॉल्व हो गया, और ये भी लाइट भी हो गई है, रीडिंग लाइट, ठीक है, इस चीज़ आपके साथ शेयर की मैं इस वीडियो में, आपको मेरा वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर कर दो, आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।